अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अलावत मंचन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ना, कई बार तो मन करता कि 4-5 भूतों को बुला के ना पार्टी कर लूं। और भाई क्या है कि आप लोग रहोगे और बच्चे रहेंगे ना, तो घर में रौनक सी बनी रहेगी। और वैसे भी मीत भाभी ने नामकरण का हवन रखा हुआ, देखो। आज सासू माँ और ससुर जी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। अरे अरे कहाँ चली सवारी? पापा फुफानी को बुखार है ना, इसलिए उसके माथे पे ठंडे पानी की पट्टी करने जाती हूँ। दादी कहती है उससे बुखार कम हो जाता है। भैया चलो, तू जा मैं अभी आया। ठीक है। पापा आपको आपकी मम्मी की याद आ रही है ना? मैं अभी सुमित और वानी के पास जाता हूँ। तो ये तेरा आखिरी फैसला है? अटल फैसला है सरकार। जो किसी कीमत पर ना बदलेगा। कि यो सरकार महल के नियम कानून, यहाँ की बेड़ियां, सब अपने मुबारक। अब मैं अपने छोरे मनमीत के साथ उसके साथ ही रहूंगी। आज बहुत शुभ दिन है सरकार। आज मेरे पोते, मेरे मनमीत के छोरे चीकू का नामकरण है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समा प्रभा निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्य सु सर्वदा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरी वाणी इसकी वजह से बेहाल पड़ी है और ये चिड़िया की तरफ फुदक रही है। नामकरण संस्कार, बच्चे के इस चरण में नया नाम दिया जाएगा और उसी नाम से उसकी जिंदगी भर पहचान होगी। बच्चे का नाम तो बुआ रखती है और इन बच्चों की बुआ तो मैं ही हूँ। पंडित जी, मैं अपने बच्चे ने उनका नाम देना चाहती हूँ जिनके मैं बहुत करीब थी, जिन्होंने हमेशा मन ने समझा, मन ने सपोर्ट किया, हिम्मत दी, अपनी बहू ते बेटी बना लिया। चीकू का नाम राजवर्धन होगा। सरकार साहब, सरकार साहब अनर्थ हो गया। सरकार साहब, सरकारपुर में पुरानी प्रथा लागू करने का आदेश क्यों? किस प्रथा की बात कर रही है तू? वहां सब तेरे पति का नाम तेरे हाथ में गोदन के लिए बैठे हैं और तुम सब यहाँ डेरा डाले हो। चाल यहाँ से। नहीं सरकार साहब, मैं हाथ जोड़ू, पाँव पड़ू सरकार, ये प्रथा लागू ना करे सरकार, इसे रोक लीजिए। अपने मर्द का नाम अपने हाथ पे लिखाने में इतनी ही शर्म लागे है तो बेशर्मी के साथ नगर वधु बन जा। जो लुगाई किसी एक की ना कहलाई वो सबकी कहलाएगी। खबरदार, सबार संभाल के, यो ना भूल कि तू सरकार के सामने खड़ा है और सरकार महल में खड़ा है। जो प्रथा खत्म हो चुकी है उसको शुरू करने की हिम्मत की किसने? जी सरकारपुर के नए सरकार ने। मनमीत, देख मैं जानती हूँ हम दोनों बहुत मुश्किल होते, बहुत बहुत मुसीबतों से उभरे, लेकिन एक बेटा अपने बाप ने ऐसे ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता है?
वो भी तब जब बापू सरकार ने उनके किए का पछतावा है, वो बदल गए मनोमीत। हो सकता है ये मेरा दिल और मेरा दिमाग इस बात की गवाही ना दे रहा। और असल बात यो है, मैं ना यू सड़क पे चलता हुआ कोई मनमीत नाम का छोरा ना, इस मनमीत नाम के छोरे का ना एक परिवार है और दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये मनमीत नाम का छोरा जो भी फैसले लेगा ना उसकी बीवी उसके बच्चों पे सीधा सीधा असर पड़ेगा, इसलिए मैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकता। तेरी और मेरी बात नहीं मानी जा सकती। और एक बात और बता दूं, कहीं ना कहीं जहन में शायद मैंने एक बात एहसास हो रही है कि जो फैसला मैंने लिया है ना सही है। नए सरकार ने, मैं भी तो देखूं कौन है यो नया सरकार। मैं महेंद्र, मैं हूं सरकारपुर का नया सरकार महेंद्र सांगवान। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।